हेलो गाइस, i7 है। तो गाइस, मैंने पिछला वाला वीडियो में जैसे बताया था कि आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन्स हो रहा है पबजी के बैन होने के बाद ये मोबा गेम सीखने के लिए, जो कि LOL का वाइल्ड रिफ्ट आ रहा है इंडिया में, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण बहुत लोग इंटरेस्ट भी नहीं पा रहे। तो मैं वही इंटरेस्ट को बनाने के लिए, ताकि कैसे मोबा गेम्स खेलते हैं उसके बारे में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिर अगर हम लोग पहले सीखते कि मोबा गेम कैसे खेलते हैं, तो बहुत सारा चीज़ें रहता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कोई भी न्यू प्लेयर के लिए। तो मैं वो सारा चीज़ें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और जो ये जो वीडियो होगा, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। बेसिक से जो चीज़ है, पहले होता है कि मैप के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कैसे खेलते हैं। दूसरा होता है हीरोज़ का जो पावर रहता है, हीरो कैसे काम करता है, कैसे उसको पावर अप होता है, कैसे वो मारता है उसका। और तीसरा पार्ट हो गया स्ट्रैटेजी, आप लोग स्ट्रैटेजी से कैसे एनिमी को हराओगे। तो फिर ये हो गया बेसिक। तो हम लोग ये जो 3 पार्ट है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो हम लोग पहला वाला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों का है मैप। तो चलिए मैप के बारे में आप लोग देखते हैं कि क्या क्या रहता है मैप में। तो गाइस, ये होता है एक बेसिक मोबा गेम्स का मैप का ओवरव्यू। जो मैप को देख कर हम लोग के कन्फ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारा डॉट है, एक बीच में एक लाइन भी है, तो ये सारा चीज़ क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो बीच में एक लाइन देख रहे हो आप, बीच में जो लाइन एक रिवर है, वो आपका डिवीजन है आपका टीम का और एनिमी टीम का, बीच में जो मैप का एरिया है उसका। तो बेसिकली इस मैप में क्या होता है कि ये जो ब्लू डॉट वाला एरिया है, यहाँ पे आपका टीम और आपका एलआई का जितना भी प्लेयर्स है फ्रीली घूम सकते इस जगह में। और जो रेड डॉट वाला एरिया है, उस जगह में आपका एनिमी का टीम फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट है, ये बेसिकली पता है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टावर। तो एक लेन में बेसिकली 3 टावर रहता है हर एक लेन में। टॉप लेन में 3 टावर, मिड लेन में 3 टावर और बॉट लेन में 3 टावर, ठीक है। और एक यहाँ पे चीज़ है जो कि मेन बेस, इस टावर के अलावा भी एक और टावर रहता है जो हर एक बेस में, एनिमी का बेस में भी एक बड़ा टावर रहता है और एलआई का बेस में भी, मतलब जो आपका टीम होगा वो उस टीम में भी एक स्क्वायर वाला टावर रहता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन बेस, यही मेन टावर है। अगर आप लोग इसको तोड़ देते हो एनिमी का, तो फिर आप लोग जीत जाते हो उस मैच को। तो गाइज, हम लोग का जो मेन मिशन है वो है ये जो मेन टावर है, जो मेन बेस है जिसको मैं एरो मार्क करके रखा हूँ, उसको तोड़ना। तो उसको तोड़ने के लिए आप लोग टॉप से भी पुश कर सकते हो, मिड से भी पुश कर सकते हो, बॉट से भी पुश कर सकते हो। लेकिन मेनली क्या होता है, आप लोग अगर सारा लेन का तोड़ के, मतलब सारा लेन का जितना भी टावर्स है वो सारा तोड़ के अगर वहाँ तक पहुँचोगे, तो एनिमी बहुत वीक लगेगा कंपेयर टू अगर आप लोग एक लेन से पुश करते हो 5 लोग। तो फिर हम लोग का जो मेन मोटिव है वो है मेन जो टरेट है उसको तोड़ना, आप लोग कैसे भी पुश कर सकते हो। तो यही हमारा मैप का जो नॉलेज था, मतलब पुश करके खेलना। तो ये हो गया मैप का चीज़ें। अब नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली आप लोग फार्म कैसे करते हो, जंगल कहाँ से मिलेगा, हीरो का रोल क्या होता है। और थर्ड वाला वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रैटेजी आप लोग को कैसे बनाओगे हीरो और मैप नॉलेज होने के बाद। तो गाइस, आज तक का हमारा वीडियो इतना तक ही था। आई होप आप लोगों को जितना भी सारा डाउट या कन्फ्यूजन था मैप को रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली ये गेम कैसे काम करता है, आई होप मैं वो सारा कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कुछ भी डाउट रहता है, आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर करूँगा कि कोई भी डाउट रह गया हो तो। और अगर आप लोगों को समझ में आया तो गाइज प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग लीग ऑफ लेजेंड्स का मतलब कैसे खेलते हैं, मोबा गेम्स कैसे खेलते हैं, अगर सीखना चाहते हो तो। और अगर आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आया तो बस सब्सक्राइब कर देना। और चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।